देखिए जना, बारिश के दिन घर से निकलना पड़ा भारी। निकले थे शॉपिंग करने और क्षण भर में मानो पहुंच गए हरिद्वार। ऐसी डुबकी कि सारे पापों के साथ सारा धन यानी कि वाहन यानी कि मोह भी जाता रहा, सीधा मोक्ष। फिर से देखिए, निकले थे घर से मानो जीटी रोड हो, सोचा पार लगा ही देंगे। पर इन्हें क्या पता भारत के सड़कों का हाल। यहाँ होश में लोग टेढ़े मेढ़े होकर सड़क से निकलते हैं और नशे में सड़क पर सीधी गाड़ी दौड़ाते हैं। भारत के कई नाम हैं, पर अगर इसे मानसून का देश कहें तो गलत नहीं होगा। पर क्या करें, बारिश में दिन रात बैठकर चाय पकौड़े खा भी तो नहीं सकते। अभी नहीं, देख लीजिए, शादी करके नया नवेला जोड़ा शॉपिंग करने निकला होगा। यहाँ तो हनीमून का भी चलन नहीं है। पर मजाल कि हमारे देश का प्रशासन अपने नागरिकों की कोई ख्वाहिश अधूरी रहने दे। ये देखिए, अपने ही शहर में गोवा वाले बीच की याद दिला दी दंपति को, पत्नी की सारी शिकायतें समाप्त। विदेशी भले सरप्राइज पार्टी में यकीन रखते हैं, पर हमारी सरकार के होते हुए हमें इनकी चिंता करने की जरूरत नहीं। हमें तो बस अपना सारा बंदोबस्त तैयार रखना है। अचानक मिले सरप्राइज के बाद जब दंपति ने शिकायत करने की कोशिश की होगी तो इन्हें ही खरी खोटी सुनने मिली होगी। अरे तुमको पता नहीं, भारत की सड़कों पर कुछ भी मिल सकता है। बारिश के मौसम में नाव पर निकलना चाहिए। अरे अरे चौंकिए मत, हमारे पत्रकार लंबे समय से होशियारी दिखाते हुए ये कारनामा करते आ रहे हैं। अक्सर गुफाओं में मिलने वाली पानी को गंगा जल बताया जाता है। कहा जाता है कि गंगा की पहुंच इतनी दूर तक है कि गुफाओं में भी पानी पहुंच जाता है। शायद ऐसा ही कुछ नजारा है यूपी के अलीगढ़ का। बगल में प्रयागराज है और डुबकी लगाने नहीं जा रहे? कोई बात नहीं, छोटी गंगा यहाँ गली गली में मौजूद है। लेकिन व्यंग एक समय तक ही अच्छा लगता है। जरूरत है सोचने की कि आखिर में एक आम भारतीय क्या करे। एक दूसरी तस्वीर भी निकल कर आई है, ये देखिए। अमरावती के सिरजा गांव से जहां लोग चाय पकौड़े की महफिल छोड़ अपने अपने वाहन को पकड़ कर खड़े हैं। अब इनके बच्चों को बारिश पर निबंध लिखने मत कहिएगा। नानी से कहानियां सुनी थी कि किस तरीके से गांव में बाढ़ आने पर मवेशी घोड़े बह जाया करते थे। पर अब जमाना थोड़ा बदल गया है, हाईटेक हो गया है। अब पानी में स्प्लेंडर और पल्सर बहते दिखाई दे रहे हैं। कम से कम बुलेट वाले अपनी भारी गाड़ियों का चलो कोई तो बहाना बता पाएंगे कि मजा ले कोई बाढ़ हमारी सवारी लेकर निकल जाए। देखिए भाई, लालच बुरी बला है, ये आज अच्छे से पता चल गया। एक से अधिक मोटरसाइकिल खरीद कर जो सूरवीर बने फिरते थे, आज निराशा के साथ गाड़ियों को अलविदा लेते देख रहे हैं। हमारे पहलवान एक समय हाथों से मोटरसाइकिल रोक लिया करते थे, आज समझ में आया कि भारत में ये हुनर क्यों जरूरी हो जाते हैं। चलिए, हंसी मजाक बहुत हुई, पर जरूरत है देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने की, वरना गली में खरीदा हुआ मकान यहाँ कब रिवर व्यू वाला बन जाए कहना मुश्किल है। एक्सप्रेस न्यूज की हल्की फुल्की खबर अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राजानंद, एक्सप्रेस न्यूज। बाथरूम केयर का लॉन्ग लास्टिंग किंग आ गया, लॉक्सिया सबको भा गया। मजबूती प्लस खूबसूरती भरे बाथरूम प्रोडक्ट्स, लॉक्सिया तो छा गया। नो लीकेज, नो ब्रोकेज, लॉक्सिया के प्रोडक्ट्स में नो शिकायत। नल की डिजाइन में ऑप्शन होंगे हजार, शावर और टैप्स भी होंगे आपके ग्राहक के पसंद के। तो आज ही बनिए लॉक्सिया के डिस्ट्रीब्यूटर। एजेंसी लेने के लिए आज ही संपर्क करें 8521731286 पर या फिर zanisha bathcare@gmail.com पर।